होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। सोनभद्र जिले के सुकुत्र चौकी अंतर्गत गौरी गांव में स्थित बद्री नारायण चौहान इंटरमीडिएट कॉलेज में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले होनहार व प्रतिभावान विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधक, अध्यक्ष व अभिभावकों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। इंसान मंजिल को अवश्य पा सकता है। यहाँ पे चरितार्थ किया सोनभद्र जिले के बद्री नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों ने। एक दुरू रास्तों का सफर तय करते हुए जहाँ पे आज भी पगडंडी है, जहाँ मेन रोड पे निकलने के लिए आज भी कीचड़ में से होके जाना पड़ता है, सारे बच्चों को किताब और कॉपी का भी समुचित प्रबंध नहीं हो पाता है, ऐसे ग्राम सभा में रहने वाले इन बच्चों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये बच्चे काफी अपनी मेहनत से, अपने शिक्षकों के द्वारा सिखाए गए शिक्षण कार्य से संतुष्ट होके मेहनत करके ये बच्चे, यहाँ की बच्चियाँ, इस इंटरमीडिएट कॉलेज की बच्चियाँ 84% मार्क्स लाई हैं, जो कि काबिले तारीफ है। आज हम बात करेंगे यहाँ शिक्षकगण से, कुछ अभिभावकों से और बच्चों से कि आखिर क्या है इनकी सफलता का राज, क्या चाहते हैं ये सरकार से, क्या चाहते हैं ये विद्यालय प्रबंधन से, और इनको बनना क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, और क्या है इनके रास्ते का रोड़ा। मैं हूँ धीरज मिश्रा, देखते रहिए एमएसएस न्यूज। आपका दीप सिखा, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। कितने परसेंट मार्क मिले आपको? 84%। संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से? हाँ। आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या बन के देश की सेवा करना चाहते हैं? शिक्षा जगत से। शिक्षा जगत में आपको क्या अच्छा लगता है? शिक्षा जगत में हम जैसे शिक्षा अनपढ़ लोगों को और अपने देश के लोगों को अगर शिक्षित करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार मौर्य। किस क्लास को क्वालिफाई किए हो? 12th। कितने परसेंट मार्क्स हैं? 71.6। सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है आपको? इंग्लिश। क्या नाम है आपका? किस क्लास को क्वालिफाई किए हो आप? 10th। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है? कला, ड्राइंग मीन्स कला। कितने मार्क्स हैं उसमें? और मैं कामना करता हूँ इसी तरह से बच्चे जो आज अपने विद्यालय में प्रथम आए हैं, यह भविष्य में जिले में और प्रदेश में इस विद्यालय का नाम रोशन करें। मेरी सारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है। आज सर जो है बद्री नारायण इंटर कॉलेज, जो कि एक दूरह क्षेत्र में स्थित है, जो तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, मैंने यहाँ के जो है समाज सेवी और चिंतकों ने जो है इस यहाँ के बच्चों को उत्साह करने के लिए, इनमें उत्साह भरने के लिए जो है इनको आज जो है एक पुरस्कार वितरण का जो है कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया है, जिसमें बच्चे जो है जो अच्छे मार्क पाए हैं विद्यालय के और इस जनपद सोनभद्र में अच्छे मार्क पाए हैं, वो यहाँ के जो है सामाजिक चिंतकों द्वारा जो है पुरस्कृत किए जाएंगे। इसी प्रकार का एक छोटा कार्यक्रम उनके उत्साह को बढ़ने के लिए किया गया है। हमारे यहाँ आज हाई स्कूल और इंटर में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले बच्चों को, 6 बच्चों को कुल मिलाकर के पुरस्कृत किया गया है। इंटर के 4 बच्चे 2 कला वर्ग के और 2 विज्ञान वर्ग के और 2 बच्चे हाई स्कूल के थे, जिसमें कुछ बच्चे हैं कुछ बच्चियाँ हैं, ये दोनों इस विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यह इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। सबसे टॉपर इस विद्यालय की छात्रा है या छात्रा सर? सबसे टॉपर हमारी इस विद्यालय की छात्रा है, छात्र दूसरे स्थान पर मान चुके हैं। मैं कहना ही चाहूँगा अपने प्यारे बच्चों के लिए, मैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं रामकृष्ण पनिका लोहरा ग्राम सभा से, मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि चाहे वो बड़ी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, चाहे प्राइमरी स्कूल में पढ़े, लेकिन भाई इस बच्चों की कामना के लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्टर बनो चाहे कप्तान बनो, कलेक्टर बनो चाहे कप्तान बनो, ईश्वर करे कि स्टूडेंट महान बनो। मैं आए मेरे प्यारे बच्चों, इस सब कुछ बनने से पहले एक नेक इंसान बनो, एक नेक इंसान बनो, यही मेरी आशा और विश्वास है। शुभकामनाएं बच्चों के लिए। सोनभद्र जिले से कैमरा पर्सन वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ मैं हूँ धीरज मिश्रा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।